हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। लेके आ गई हूँ मैं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन उन छात्रों के लिए जिनका एग्ज़ाम अभी 25 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। तो जितने भी छात्रों का CBT एग्ज़ाम 25 तारीख से शुरू हुआ है, उनके एडमिट कार्ड में कुछ गड़बड़ी है। तो वो क्या गड़बड़ी है, उससे छात्रों को क्या नुकसान होगा और उसके लिए DGT ने आज के डेट में कौन सा एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और आगे बढ़ने से पहले, अब तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल ITI इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख सकते हैं ये एक मेल आया हुआ है DGT की तरफ से, क्या लिखा हुआ उसे हम पढ़ते हैं। ड्यू टू सम इशू, इफ़ द हॉल टिकट इज़ अनेबल टू शो बाय द स्टूडेंट इन द एग्जाम सेंटर, देन ऑल्सो दे कैन बी अलाउड फॉर एग्जाम विद प्रॉपर आइडेंटिटी इफ़ हिज और हर नेम इज अवेलेबल इन द सेंटर मैपिंग लिस्ट। ऐसे कोई भी छात्र हैं जिनके एडमिट कार्ड में गड़बड़ी है या वो एडमिट कार्ड शो नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम सेंटर पे, तो उन छात्रों को भी अलाउ कर दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन किस आधार पे, कि उनको एक प्रॉपर आइडेंटिटी अपना दिखाएंगे, जो आईडी कार्ड है उनका एक प्रॉपर आईडी कार्ड वो शो करेंगे, साथ ही साथ उनका नाम जो है सेंटर मैपिंग लिस्ट में होना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन वो पूरा करते हैं तो वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। फिर से सुन लीजिए, ऐसे कोई भी छात्र जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं है या एडमिट कार्ड में कोई गड़बड़ी है, तो ऐसे छात्र जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे। उन्हें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा सेंटर पे और साथ ही साथ उनका नाम जो है सेंटर मैपिंग लिस्ट में होना चाहिए जो ITI वाले के पास रहता है। तो अगर आपके पास ये दोनों कंडीशन है तो आपको एग्ज़ाम देने से कोई नहीं रोकेगा। ये आज के डेट में जो है एक मेल जारी कर दिया गया है DGT की तरफ से। इसीलिए जितने भी छात्र हैं उनका ऐसा प्रॉब्लम है तो उनका प्रॉब्लम जो है अब दूर हो जाएगा, वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या था, जितने भी छात्र का भी एडमिट कार्ड आया था, एडमिट कार्ड में टाइमिंग की कुछ गड़बड़ी हो गई थी। क्या थी गड़बड़ी, आइए हम उस पर ही बात कर लेते हैं, उसका क्या सोल्यूशन है वो भी बताते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि देखिए, ये भी एक मेल में ही आया हुआ है DGT की तरफ से ही, कि देयर इज़ सम मिसप्रिंट टाइमिंग इन एडमिट कार्ड, प्लीज़ फॉलो द गिवन टाइमिंग। बैच टाइमिंग क्या है, 9 से 10 लिखा हुआ, जो कि 9 से 11 होना चाहिए। 12:15 से 1:15 दिया गया है, जो कि 12:15 से 2:15 लिखा हुआ है। फिर 3 से 4 का टाइमिंग है, 3 से 5 शो कर रहा है। मतलब टाइमिंग में देखिए मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे 3 बैच में एग्ज़ाम हो रहा है, आप सभी को पता है, तो इन तीनों बैच के टाइमिंग में जो है एडमिट कार्ड में कुछ मिसप्रिंट था, जिसके कारण एडमिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। छात्र के पास एडमिट कार्ड नहीं है या कुछ छात्र जो है एडमिट कार्ड शो नहीं भी कर पा रहे हैं, तो इन सारे परेशानियों को दूर करते हुए DGT ने एक लेटर तो जारी कर ही दिया है और ये बैच टाइमिंग को भी उन्होंने करेक्ट कर दिया है कि देख लीजिए टाइमिंग ये रहेगा, एडमिट कार्ड में मिसप्रिंट हो गया है, गलती से वो गलत टाइप उसमें हो गया है। तो इसलिए जितने भी छात्र का एग्ज़ाम अभी हो रहा है वो घबराए नहीं, आपके पास नहीं भी है एडमिट कार्ड तो आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे या फिर एक दिन पहले ही अपने ITI से आप संपर्क कर लें कि आपका नाम उस लिस्ट में जो सेंटर मैपिंग लिस्ट है उसमें है या नहीं। अगर सेंटर मैपिंग लिस्ट में आपका नाम रहेगा तो आप आराम से एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि इसे बहुत सारे छात्र जो परेशान थे कि एडमिट कार्ड नहीं आया या एडमिट कार्ड में मिसप्रिंट है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो उन सभी का जो है परेशानी अब दूर हो जाएगा, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो उन्हें भी जानकारी मिल जाएगी और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करेंगे, मैं कोशिश करूँगी सभी के कमेंट का जवाब देने का, डाउट क्लियर करने का। तो ये था आज का वीडियो, जुड़े रहें ITI इन्फोटेक YouTube चैनल के साथ, क्योंकि यहीं मिलेगी आपको ITI से जुड़ी सारी जानकारी।